स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन से। इसके बाद वी विल कंटिन्यू विद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जो मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। तो ये काफी मैंने बोला था इस पे टाइम देना, काफी कुछ सीखने मिलेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज अ बल्की क्वेश्चन, बहुत आसान नहीं है, थोड़ा लेंदी होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो क्या करते हैं, हम पहले ए बी सी को देख लेते हैं। तो पहले मैं ये तीनों वैल्यू दिखा रहा हूँ, ए की पावर कैपिटल ए, थ्री की पावर बी और नाइन की पावर सी। उसके बाद मैं इसका सब्सटीट्यूट कर दूंगा, देन आई विल सॉल्व फॉर एक्स। मुझे फाइनली एक्स निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एक्स। सॉल्व करना मतलब मुझे एक्स निकालना है। सो पहले मैंने थ्री की पावर बी देखा, थ्री की पावर बी, ध्यान से देखना, हर एक स्टेप में बहुत सीखने मिलेगा। तो थ्री की पावर एंड बी हियर इज लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ एक्स बाय टेन टू द बेस 10। चलो अब इसमें मैंने जो पावर लिखा है, log of a by b, log a minus log b वाला प्रॉपर्टी लगाया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, 3 की पावर log x to the base 10 minus log 10 to the base 10, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, log a minus log b, log x minus log 10, और बेस तो 10 है ही हमारा ओवरऑल। अच्छा, अब log 10 to the base 10 क्या होगा, 1। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर log x टू द बेस 10 माइनस 1। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज़ छोटा सा, जैसे हम इधर बता देता हूँ, मैं उधर जो यूज़ करूँगा, मैंने लिखा a की पावर x माइनस y, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या होता है, a की पावर x अपॉन a की पावर y। तो ये 3 की पावर माइनस 1 लिखा है, तो मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके लिख सकता हूँ, दैट मीन्स आई कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो। देखना ध्यान से, 3 की पावर log x टू द बेस 10 डिवाइड बाय 3, 3 की पावर माइनस 1 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाके 3 लिख दिया, क्लियर है। तो इसको एक मिनट, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको लिख लेना, ठीक है, a की पावर x माइनस y, a की पावर x अपॉन a की पावर y। तो मेरा फाइनली ये जो रिड्यूस हो गया है, इट रिड्यूस टू 1 बाय 3 टाइम्स 3 की पावर log x टू द बेस 10। इसको मैं अभी यूज करूंगा, कब, पहले मैं इन दोनों को निकाल लेता हूँ, a की पावर a और 9 की पावर c, इन तीनों चीज को फिर मैं इस वाले इक्वेशन में रख दूंगा। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज 9 रेज टू पावर c। तो देखना 9 की पावर c, और c मेरा क्या है ये, तो इसको लिख लिया log of x टू द बेस 100, आई थिंक 10 होगा इधर, ये 100, लेट मी वेरीफाई इट, इधर log 100 है या 10 है, तो वो चीज मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, 100 ही है, log of 100 ही हमारा, I have verified this, this is 100 only। तो चलो करते हैं इसको, तो log of 100 plus log of 2 to the base 4, देखना ध्यान से आप बच्चों। अब इस 9 को तो मैं लिख सकता हूँ 3 का square, तो देखना this is can further be written as 3 का square। अच्छा अब देखना, इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का square, इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का square। चलो लिख लेते हैं एक बार, उसमें एक ही स्टेप में मैं लिखने वाला था log of x, और इधर लिखा 10 का स्क्वायर प्लस log of 2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब जो बेस की पावर होती है वो आगे जाके क्या होती है, 1 बाय k। अगर बेस की पावर k है, जैसे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, log of a टू द बेस b की पावर k, दिस इज 1 बाय k टाइम्स log a टू द बेस b, ये बताया था। तो ये 1, ये वाला 2 इधर आके हाफ हो जाएगा, और ये वाला 2 भी इधर आके हाफ हो जाएगा, तो मेरा किस में रिड्यूस हो गया, 3 की पावर 2 टाइम्स, देखना एक तो ये वाला हाफ, चलो लिख लेते हैं हाफ log x टू द बेस 10 प्लस हाफ log 2 द बेस 2, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रब कर रहा हूँ इतने पार्ट को, अब देखना ये 2 इस 2 से और इस 2 से कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, देखो इधर मैं इस साइड लिख रहा हूँ 3 की पावर में, 3 की पावर में log x टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 2 इज 1, सो दिस इज 1। अब वही चीज, अब मैं कौन सा यूज करूंगा, जैसे मैंने लिखा a की पावर x प्लस y, क्या होता है a की पावर x इंटू a की पावर y, आई यूज दिस पार्ट नाउ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, देखना 3 की पावर दिस इंटू 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 3 हो गया, तो फाइनली मेरा आ गया 3 इंटू 3 की पावर log x टू द बेस 10, और ये था क्या हमारा 9 की पावर c, तो इन दोनों चीज को मैंने लिख लिया,
क्लियर है ये क्या लिखा मैंने, 3 की पावर x प्लस y, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y, तो 3 की पावर log x टू द बेस 10 इंटू 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 इज 3। अच्छा अब तुम लोग क्या करो, इतने पार्ट को कॉपी कर लो, मैं इसको इतने पार्ट को रब करने वाला हूँ, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस मच पार्ट, वीडियो को पॉज करके चलो। अब आते हैं हम ए वाले पार्ट पे, ए वाले पे मैं लास्ट में इसलिए आ रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू बी एंड सी वाला पार्ट, तो देखते हैं। तो पहले मैं ए की पावर ए निकालना है, ए की पावर ए, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर, और ए मेरा है क्या स्मॉल ए, कैपिटल ए है क्या ये, तो लॉग x टू द बेस a इंटू लॉग a टू द बेस 10 इंटू लॉग 5 टू द बेस a, क्लियर है, देखना। अब मैं क्या यूज करूंगा, देखना बहुत अच्छी शानदार प्रॉपर्टी, a की पावर, देखना जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तुम लोग लिखते भी जाओ उधर, जैसे मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ ना, तो जस्ट राइट इन ब्रैकेट की हमने उधर अप्लाई क्या किया है, क्योंकि क्या है कि अभी जैसे अभी तो ठीक है तुम्हें समझ में आ रहा है सामने है, जब अगली हर बार तो हम वीडियो देख नहीं सकते, इतना टाइम अब तुम्हारे पास होगा नहीं आगे जाके, तो हमें नोट्स में समझ में आना चाहिए, तो कभी कभी क्या होगा जब बहुत सारी चीज़ पढ़ने की तो कन्फ्यूजन चालू हो सकता है, तो तुम्हें उस टाइम रिकॉल हो सकता है नहीं भी हो, तो क्या करो जो भी मैं लिख रहा हूँ ना साइड में, कौन सा साइड में, जैसे मैंने इधर लिखा ये वाला पार्ट, इससे पहले लिखा था ए की पावर एक्स माइनस वाई, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, वो सब जब हम स्टेप लिखते हैं ना तो उधर लिख लो वो आया कैसे। तो अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, देखा ए की पावर एक्स वाई, दिस कैन बी रिटन एज ए की पावर एक्स की पावर वाई, पावर टू पावर करते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2 और इसकी पावर 4 लिखा, सो दिस इज 2 की पावर 8 एक्चुअली, क्लियर है, समझ में आया, ये चीज अब मैं इधर लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ देखना, ये दो एक मैंने नंबर ये कंसीडर किया, एक नंबर ये कंसीडर किया, तो a की पावर x इंटू वाई को क्या लिख सकता हूँ, a की पावर x और इस पूरे की पावर y, तो log a टू द बेस 10 इंटू log 5 टू द बेस, ये log मल्टीप्लाइड में है, ये log, ये वाला जो log है वो इस log का आर्ग्यूमेंट नहीं है, log ऑफ दिस इनटू log ऑफ दिस लिखा है, ठीक है, देखना क्या लिखा मैंने, a की पावर, लेट्स से ये मेरा पूरा, ये पूरा मेरा कैपिटल x है, ये मेरा पूरा कैपिटल y है, तो ये ऐसा लिखा था a की पावर x इनटू y, तो हो गया a की पावर x इनटू y, तो a की पावर x इसको माना, इसका होल पावर दिस, ये चीज इसके पावर में लिखी है, अगेन कंफ्यूज मत करना, बहुत से लोग इस स्टेप में मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब देखना, अब मुझे पता है, फॉरगेट अबाउट दिस पावर, एक मिनट के लिए पावर को भूल गए, मैंने तुम्हें अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे, ए की पावर में लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, क्या बताया था ये, बी के बराबर होता है, ये कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग से, सो ये वाला पार्ट किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखना ध्यान से, मार्क रेड, चलो इसी से करता हूं मैं, इतना पार्ट कैंसिल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, तो इधर b बचा था, तो इधर क्या बचेगा x, दिस इज वेरी क्रिटिकल स्टेप एक्चुअली, x की पावर, वो इसकी पावर में लिखा है वो पूरा, और है क्या वो, आप सुनना, इसको भी मैंने क्या किया, बेस टेंडिंग थ्योरम लगाया इसमें, चलो एक 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 स्टेप में कर लेते हैं, नहीं तो log ऑफ a टू द बेस 10 इंटू log ऑफ 5 टू द बेस a, ठीक है, अब देखना x की पावर, इसको लिखा log a अपॉन log 10, ये x की पावर में सब कुछ अभी जो मैं लिख रहा हूँ, log a अपॉन log 10 इंटू log 5 अपॉन log a, नाउ यू कैन सी log a कैंसिल हो गया, अब मैं ये हो गया मेरा, दिस इज रिटन एज x की पावर log 5 टू द बेस 10, उल्टी डायरेक्शन का बेस टेनिंग सिर्फ लगा log 5 अपॉन log 10 इज log 5 टू द बेस 10, तो ये मेरा फाइनली आया a की पावर है, तो मैं इसको इस साइड लिख लेता हूँ, x की पावर log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू a की पावर कैपिटल है, क्लियर है बच्चों, अब ये तीनों जो वैल्यू आए वो हम क्या करेंगे, इसको मैं अब कर रहा हूँ, इस इक्वेशंस में रखेंगे ऑल दीज थ्री वैल्यूज, तो वीडियो को पॉज करो, इतने पार्ट को कॉपी करो, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ फ्रॉम दिस पार्ट, चल यहाँ से मैं पूरा रब कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का, ठीक है ना, यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एडवांस, ठीक है, क्योंकि मतलब एक ही क्वेश्चन में हमारी ऑलमोस्ट सारी नॉलेज यूज हो गई, इधर एक्चुअली ये रब हो गया, ये मेरा क्या था 3 की पावर b था, ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, ये तीनों वैल्यूज इसमें प्लग की, एक क्वेश्चन और नहीं रखी थी हमें, तो 6/5 देख, ध्यान से देखना 6/5 स्मॉल a की पावर कैपिटल, और स्मॉल a क्या है, x की पावर log ऑफ 5 टू द बेस 10 दिस माइनस 3 की पावर b, 3 की पावर b इज दिस माइनस 1/3 टाइम्स
3 की पावर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 9 की पावर c, और 9 की पावर c क्या है, 3 इंटू 3 की पावर log x टू द बेस 10, 3 इंटू 3 की पावर log x टू द बेस 10, क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, ये तीनों वैल्यूज, तीनों जो रिजल्ट आया हमारे उसको इसमें प्लग किया है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 6 बाय 5 x की पावर log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को उधर लेके आया, तो देखो लेके आऊंगा तो ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया 3 की पावर log x टू द बेस 10, और ब्रैकेट में क्या बचा, 3 प्लस 1 बाय 3, फर्दर 3 प्लस 1 बाय 3 10 बाय 3, तो ऐसे लिख लेता हूँ 10 बाय 3 इंटू 3 की पावर log x टू द बेस 10, दिस इज इक्वल टू 6 बाय 5 x की पावर log 5 टू द बेस 10। आप देखना ध्यान से, ये 6 टू टाइम्स गया, ये 5 टाइम गया मल्टीप्लाइड में, ठीक है? अच्छा अब सुनना क्या किया, नाउ देखो इधर log x टू द बेस 10 दिख रहा है, लेकिन इधर log 5 टू द बेस 10 दिख रहा है, तो क्या करूं मैं इस x को इस log के आर्गुमेंट में लेके जा सकता हूं, हाँ, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, एक ये वाली प्रॉपर्टी थी, देखो देखना ध्यान से, टू द बेस b, क्या क्या बताया था इसमें, ये वाला बेस और ये c को आई कैन इंटरचेंज, दिस कैन बी रिटन एज c की पावर में log ऑफ a टू द बेस b, क्या बोला मैंने, इन दोनों को वी कैन इंटरचेंज, कोई चीज मैं इधर लगा रहा हूँ, इस x और इस 5 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो 2 तो अभी भी लिखा है, 5 अभी भी लिखा है, अब ये हो गया 5 की पावर log x टू द बेस 10, क्या किया मैंने, इस x और इस 5 को इंटरचेंज किया यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम इधर, तो ये लिखा 5, अच्छा ये मैंने 2 से कैंसिल किया ना, तो ये 3 टाइम्स गया है, देखो इधर ये 6 2 से कैंसिल किया, तो ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये हो गया 5 बाय 3 3 की पावर log x टू द बेस 10, ठीक है? चलो अब क्या किया, 3 वाले एक तरफ गए, 5 वाले को एक तरफ लिखा, तो देखना ध्यान से, अब ये 5 को पहले मैं इस वाले 5 को इसके नीचे लेके आया, तो मैं इधर इसी स्टेप पे मॉडिफाई कर रहा हूं, यू शुड राइट इन नेक्स्ट स्टेप, ये 5 को मैं उठा के इधर 1 हो गया, इस 5 को उठा के इधर लाया, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है? और ये मेरा 3 था, ये मेरा 3 था, देखना ध्यान से, इस 3 को यहां से उठा के इस 3 के नीचे भेज रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली बेस 5 वाले टर्म एक साथ लिख रहा हूं और 3 की पावर वाले टर्म एक साथ लिख रहा हूं, तो ये 3 मेरा उठा के इधर स्क्वायर हो गया, ठीक है? देख रहे हो काफी लेंथी है, हर एक स्टेप मतलब तुम्हें सोच समझ के करना है, ठीक है ना? और जब ही होगा जब हमारे प्रॉपर्टीज पे हमारा अच्छा कमांड है। चलो अब देखना, अब मैं वही वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, देखना, a की पावर x अपॉन a की पावर y क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई, अभी देखा था हमने थोड़ी देर, तो 5 की पावर दिस अपॉन 5 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर log x टू द बेस 10 माइनस 2, तो एक चलो, एंड दिस इज इक्वल टू 3 की पावर, सिमिलरली हियर आल्सो 3 की पावर log x टू द बेस 10 अपॉन 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर log x टू द बेस 10 माइनस 2, क्लियर है? अब देखना किस्मत से क्या हुआ, 5 की पावर और 3 की पावर सेम बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना ध्यान से, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस पार्ट को रब करता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है? जस्ट कॉपी दिस, आई होप ये तो कॉपी किया ही हो, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, अब ये लिखा है 5 की पावर log x टू द बेस 10 माइनस 2, और उसको भी इधर ही लेके आ गया 3 की पावर log x टू द बेस 10 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1। अब एक चीज, आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे देखना ध्यान से, a की पावर x अपॉन b की पावर x, प्रॉपर्टी नहीं हालांकि वो सिंपल मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिक्स है, क्या कर सकते हैं हम एक साथ लिख सकते हैं, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, a बाय b की पावर x, दिस आई विल यूज हियर, a की पावर x अपॉन b की पावर x इज a अपॉन b की होल पावर x, सो व्हेन आई डू इट हियर, तो देखना क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 5 बाय 3, दोनों की पावर सेम है ना, इसलिए आई कैन डू दैट, तो 5 बाय 3 की पावर log x टू द बेस 10 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1, देखना आप कट कैसे लिखा मैंने, 5 की पावर ही वही था, 3 की पावर भी वही था, तो एक साथ लिख दिया 5 बाय 3 की पावर दैट, जो मैंने इधर लिखा, a की पावर सेम है, b की पावर सेम है, a और b की, तो a अपॉन b लिख के पावर सेम लिख दिया। अब देखना, अब एक इंपॉर्टेंट, देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं,
इस वन को आई कैन राइट इट एज 5/3 की पावर 0, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि समथिंग किसी चीज का पावर समथिंग है और वो वन आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0, या तो वो डायरेक्टली बोल दिया, या फिर मैथमेटिकली हम प्रॉपरली कैसे करेंगे, इस वन को मैं लिख सकता हूँ 5/3 की पावर 0, और इधर मेरा लिखा है 5/3 की पावर, चलो इसको लिख लेते हैं 5/3 की पावर log x टू द बेस 10 माइनस 2, तो बेस बराबर है तो पावर से बराबर होना चाहिए, हेंस ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा, 0 के बराबर, तो इधर से मेरे को क्या मिला, इसको मैं रब कर रहा हूँ देखना, log x टू द बेस 10 माइनस 2 शुड बी 0, अब खत्म, अब तो बहुत छोटा सा हो गया हमारा, क्या हो गया, 2 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो कितना हो गया, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज 100, हैंस अवर आंसर इज 100, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और मतलब ये समझ लो कि जितने प्रॉपर्टीज वगैरह हमने पढ़े अभी तक ऑलमोस्ट सब चीजें यूज हो गई, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मैथमेटिक्स भी यूज हो गई इस टाइप की, जो एक्सपोनेंशियल की जनरली प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम 9th-10th में पढ़ते हैं, a की पावर x अपॉन a की पावर x y, a की पावर x माइनस y, a की पावर x अपॉन b की पावर x, a बाय b की पावर x, तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी यूज हो गई, ठीक है, ये स्टेप अगर क्लियर नहीं हो तो एक बार और सुन लो, इसको मैंने क्या किया, 5/3 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 दिया था, उस 1 को मैंने लिखा 5/3 की पावर 0, आई कैन राइट, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, नाउ आई कैन, सिंस बेसिस आर इक्वल देयरफॉर पावर्स को बराबर होना चाहिए, हेंस log x टू द बेस 10 माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो log x टू द बेस 10 माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो log x टू द बेस 10 इज 2, x इज 10 स्क्वायर व्हिच इज 100, क्लियर है, तो अच्छे से एक बार इसको और करना, इसको खुद से एक बार अभी कॉपी भी कर लिया, उसके बाद भी एक बार बुक बंद करके खुद से अलग पेज पे खुद से पूरा सॉल्व करो A to Z, बहुत कुछ सीखने मिलेगा विश्वास मानो, और अगर कहीं अटकते हो तो दोबारा लेक्चर तो तुम्हारे पास है ही सेव, तो यू कैन वॉच इट अगेन, ठीक है, चलो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ हमारा डिस्कशन ऑन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, सो बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस पार्ट, आई एम रविंग इट नाउ, तो पहले एक बार रिकॉल कर लेंगे हम कि हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या क्या देखा था, तीन चीजें देखी थी, उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे, तो जो हमारा पहला प्रॉपर्टी था, तीन चीजें देखी थी, देखो मैं एक बार लिखवा रहा हूं, रिवाइज हो जाएगा हमारा, पहला था a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, दिस इंप्लाइज अगर ऐसा है, मतलब इफ करके लिख लो, इफ a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन y, या फिर y इज ग्रेटर देन x, या मतलब ऐसे लिख लो x इज लेस देन y, ये कब होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, so this is when a is less than n, of course it should be greater than 0, second जो हमने देखा था, हालांकि मैं इस वाले 0 को इधर mention करना जरूरी है नहीं, because जो हम exponential वाले लिखते हैं ना उसमें बेस negative भी हो सकता है, तो better है कि तो इस वाले पार्ट में इसको मत लिखो, this is more correct, ठीक है, समझ में आया क्यों बोला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस 2 की पावर भी ले सकता हूँ ना, बेस कैन भी नेगेटिव फॉर एक्सपोनेंशियल, बट लॉग में जब मैं लिखूंगा अभी जो लिखने जा रहा हूँ उसमें जरूर बेस को 0 से बड़ा लेना ही पड़ेगा, फॉर एक्सपोनेंशियल वी कैन टेक बेस नेगेटिव ऑल्सो, बिकॉज माइनस 2 की पावर 2 वगैरह भी डिफाइन है, बेस कैन भी नेगेटिव, माइनस 2 की पावर 2 तो हमें पता है इट इज 4, तो बेस कैन भी नेगेटिव फॉर एक्सपोनेंट बट नॉट फॉर लॉग, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट था, उसका ज्यादा यूज नहीं है हालांकि, चलो अब नेक्स्ट क्या देखा था हमने, देखो लॉग x to the base a greater than log of y to the base a, अगर ऐसा है तो क्या होता था हमारा, x greater than y होगा या फिर x less than y होगा, दोनों में से एक ही कंडीशन होगा, कब क्या होगा वो डिपेंड करता है बेस पे, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या बोला था, log जो है हमारा दैट इज बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, जैसे कि हमने उस दिन देखा था कि log x जो, सॉरी दिस इज माई log x का ग्राफ, x बढ़ाते हैं तो y बढ़ता है, तो अगर बेस 1 से बड़ा है दिस इज फॉर बेस ग्रेटर देन 1, और अगर मान लो मैंने बेस लेस देन 1 बोला तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, तो x बढ़ाएंगे तो y घटेगा लेस देन 1 के लिए, तो मैंने बोला log ये log इसके log से बड़ा है, तो हम कब बोलेंगे x y से बड़ा होगा, जब बेस 1 से बड़ा होगा, क्यों, अगर बेस 1 से बड़ा होगा तभी log क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा,
तो x अगर बड़ा होगा तो log x भी बड़ा होगा. तो दिस इज व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज व्हेन a इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. 0 इधर लेना जरूरी है बिकॉज इधर बेस का काम कर रहा है तो बेस कैन नॉट बी नेगेटिव. क्लियर है बच्चों? एक ये देखा था और लास्ट जो पार्ट हमने देखा था उसको इधर लिख लेते हैं. थर्ड पार्ट, log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन b. हमने दोनों लॉग लिए, इससे इसमें क्या एक लॉग और एक नंबर लिया. तो इसको मैंने ओपन करने कैसे बताया था, दो तरीके. अगेन देखो इससे दो दो, दो चीजें होंगी, देखना ध्यान से. x इज ग्रेटर देन a की पावर b, बेस को लॉग को ओपन किया है तो अभी तो साइन क्या रहा, सेम रहा इनइक्वालिटी का. ये कब होता है, जब a ग्रेटर देन 1 हो. और या फिर x इज लेस देन a की पावर b, ये कब होगा, जब बेस 1 से छोटा हो. तो a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. क्लियर है? तो इतना पार्ट हमने कल देख लिया था, आज हम इसके ऊपर क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो एक बार तुम्हें समराइज करना हो तो यू कैन ऑल्सो कॉपी दिस इन योर नोट्स, अगर नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं हम कल की क्लास में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल 1. पहले थोड़ा इजी लेवल का देखते हैं एक आध, उसके बाद वील इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चन. सो हमारा क्वेश्चन है पहला, देखो बच्चों, लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2, लेट्स से ग्रेटर देन 4. बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, मैंने कहा सॉल्व दिस. अच्छा उससे पहले हम एक बार एक काम करते हैं, एक छोटा सा स्टेप और लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं. ठीक है, एक एक मेरे को एक दो स्टेप और लिखवाने, उसके बाद वी विल सी द क्वेश्चन. तो पहले लिख लो, जैसे हमने स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी के लिए बताया था, क्या करते थे हम, सबसे पहले डोमेन निकालते थे, उसके बाद फिर हम स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायर करके फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे, और जो उस इनइक्वालिटी का आंसर आता था उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेते थे. क्या बोला दोबारा, पहले हम एक बार स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को रिकॉल कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे इधर हम स्टेप लिखने वाले हैं दो तीन. क्या बोला कि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता तो पहला स्टेप क्या होता था हमारा, डोमेन निकालना. इधर भी हमारा क्या होगा, डोमेन निकालना. दूसरा उधर क्या होता था, हम स्क्वायर रूट को हटाते थे. कैसे हटाते थे, स्क्वायर करके दोनों साइड. इधर क्या करेंगे, हम लॉग को हटाएंगे. लॉग को हटाना तो अभी हमने देख ही लिया, जो अभी जो तीन स्टेप लिखवाए मैंने. फिर क्या करते थे उधर, जो भी इनइक्वालिटी स्क्वायर हटाने के बाद जो इनइक्वालिटी बनती थी उसका सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेते थे डोमेन के साथ. इधर भी वही करेंगे, लॉग हटाने के बाद जो भी इनइक्वालिटी बनी उसका इंटरसेक्शन लेंगे हम डोमेन के साथ. तो इन तीन स्टेप को एक बार फॉर्मली हम लिख लेते हैं. तो स्टेप वन इज फाइंड डोमेन. दीज आर स्टेप्स, दिस इज स्टेप वन. किसके स्टेप है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के, दीज आर द स्टेप्स. तो फर्स्ट इज फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी. डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी से मतलब वो लॉग को डील करना है, जैसे हमने ऑलरेडी दिखा दिया ना डोमेन. हमने डोमेन कैसे निकालते हैं लॉग का, तीन कंडीशन होती है, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1. इन तीनों का इंटरसेक्शन से जो आता है दैट इज डोमेन. वो मैंने ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर्स में करा रखा है हाउ टू फाइंड डोमेन, तो वो निकाला, डोमेन निकाला. सेकेंड इज रिमूव लॉग एंड सॉल्व द ऑब्टेंड ऑब्टेंड इनइक्वालिटी. क्या बोला, रिमूव लॉग, लॉग को रिमूव करो और फिर सॉल्व करो जो भी इनइक्वालिटी बनती है लॉग को रिमूव करने के बाद. एंड लास्ट स्टेप इज टेक इंटरसेक्शन. किसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ आंसर ऑब्टेंड ऑब्टेंड इन स्टेप टू विथ डोमेन, विथ डोमेन दैट इज स्टेप वन, दैट इज विथ आंसर ऑफ स्टेप वन, दैट इज विथ आंसर ऑफ स्टेप वन, क्योंकि हमने स्टेप वन में डोमेन निकाला था. ठीक है, तो यही के यही हमारे उधर थे लॉगरिथमिक, उसमें स्क्वायर रूट में था, उधर क्या लॉग की जगह स्क्वायर रूट था. तो ठीक है, समझ में आया बच्चों. अब हम इसको लिख लो, तुम वीडियो को पॉज करके, मैं इसको रब करने वाला हूँ. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल. तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से लेते हैं हम, लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2, लेट्स से ग्रेटर देन 3. ठीक है, तो स्टेप वन मेरा क्या होता था, डोमेन निकालना. और डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लॉग दिया होता है उसका आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. प्लस बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1. तो बेस पे तो कोई दिक्कत नहीं, बेस तो 2 दे रखा है, कॉन्स्टेंट है, विच इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1 ऑल्सो. तो उसकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है.
तो बचा क्या हमारा आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट को क्या लिखू मैं, आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट एक्स माइनस वन दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा क्यों किया, बिकॉज आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव होना चाहिए लॉ को डिफाइन होने के लिए, और जिन वैल्यूज पे डिफाइन होता है उसी को तो डोमेन बोलते हैं। तो इधर से मेरा क्या आया x ग्रेटर देन 1, तो मेरा अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं तो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, दिस इज व्हाट माय डोमेन, नॉट द फाइनल आंसर, दिस इज द डोमेन। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, तो स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप 2 था लॉग को रिमूव करना। अब लॉग को रिमूव कैसे करें, तो वो जो मैंने कल स्टेप 3 लिखवाया और जिसका आज रिवीजन भी किया हमने, उसमें जो थर्ड वाला था क्या था, लॉग ऑफ b टू द बेस a ग्रेटर देन c होता है, तो हम क्या लिखते हैं b इज ग्रेटर देन a की पावर c, या फिर और b इज लेस देन a की पावर c, वो डिपेंड किस पे करता है, a जो है वो 1 से बड़ा है, a 1 से छोटा है, ये था। तो अब देखो इस वाले लॉग पे लगाते हैं हम, तो बेस दिख रहा है a ग्रेटर देन 1 है 2 है, तो हेंस ये वाली चीज होगी, मतलब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, तो लगाते हैं इधर। तो देखो मैं इधर लगा रहा हूं, तो क्या है x माइनस 1 आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर 3, बेस की पावर आर एच एस 2 की पावर 3, तो इधर से क्या है x माइनस 1 ग्रेटर देन 8, तो x ग्रेटर देन 9, ये तो मेरा क्या आया स्टेप 2 का आंसर। अब मेरा स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 वाज आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ आंसर्स ऑब्टेन इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, मतलब जो स्टेप 2 में आंसर आया उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। तो डोमेन तो था मेरा 1 से इंफिनिटी और ये है मेरा 9 से इंफिनिटी, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ 9 से इंफिनिटी, हेंस इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी 9 ओपन से इंफिनिटी ओपन, तो दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो देखा काफी सिंपल है, क्रिटिकल मतलब स्टेप क्या बोल सकते हैं हम, यही है मेन, यही चीज मेन है, ठीक है ना, समझ में आया। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, लॉग ऑफ ठीक है, लेट से मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले स्टेप 1 डोमेन निकालना, डोमेन के लिए क्या करते हैं, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, वो तो है ही, हाफ इज हाफ जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं अपना 1 भी नहीं है और प्लस हमें पॉजिटिव है, बस आर्ग्यूमेंट को हमको देखना है इट शुड बी पॉजिटिव, तो आर्ग्यूमेंट मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट ऑल्सो इक्वल टू 0, लॉग 0 भी डिफाइन नहीं होता है, तो ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इससे मेरा आया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इफ आई मार्क हियर माइनस 1 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब ये हो गया मेरा डोमेन, सो डोमेन इज ये हो गया मेरा डोमेन, ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी मैंने इसको निकाल के रखा, अब मैं स्टेप 2 करता हूँ, स्टेप 2 वॉज टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, स्टेप 2, तो स्टेप 2 में इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, बेस देखेंगे 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, अगर 1 से बड़ा है तो लॉग को रिमूव करते वक्त इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर 1 से छोटा है तो चेंज हो जाएगा, but you can see the base is half which is less than 1, hence while opening the log sign of inequality will change, theek hai, to maine kya likha dekho idhar, x square minus 1 should be less than half ki power 1 base ki power rhs, clear hua bachcho, kya likha hai maine, inequality ka sign change ho gaya kyunki base jo hai that is less than 1, clear hai, chalo ab isko hum aage dekhte hain, तो x स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 लेस देन 0, तो इससे आया x माइनस देखना अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 लेस देन 0, तो इसी नंबर लाइन के नीचे प्लॉट कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, बिकॉज जो स्टेप 3 है उसमें हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, तो ये मेरा अंडर रूट 3 बाई 2, तो अंडर रूट ऑफ 1.5 समथिंग दैट विल बी समवेयर ऑन द राइट ऑफ 1, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इसको मार्क करना, कभी कभी ऐसे नंबर होते हैं हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ये इसके लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, बट कैसे देखा मैंने रूट 3 बाई 2, 3 बाई 2 को पहले फ्रैक्शन में ना बोल के ऐसे लिख लिया रूट ऑफ 1.5,
क्या लिखा, दिस इज रूट ऑफ 1.5। अब रूट 1.5 है तो मुझे पता है रूट 1 जो होता है वो तो 1 होता है, तो जैसे ही 1.5 होगा तो मतलब 1 से बड़ा होगा, हैंस इधर आया। अगर ये इधर आया तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस 1 किस साइड आएगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3/2। उसमें लेस देन 0 बोला था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट। नाउ यू कैन सी क्लियरली इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा हमारा, इतना पार्ट दिस ब्लू वाला। तो फाइनल आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू व्हिच इज स्टेप 3। तो ये हो गया हमारा माइनस अंडर रूट 3/2 से माइनस 1 यूनियन अंडर रूट ऑफ 3/2 से 1, सॉरी गलत हो गया, ये उल्टा होगा, ये 1 से 1 कॉमा अंडर रूट 3/2। क्लियर है, दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ अलग है नहीं, ठीक है ना, बस हमें एक ही मतलब जो अगर हमारा इनइक्वालिटी वाला पार्ट ठीक है जो मैंने इससे पहले पढ़ाए थे चैप्टर लिया था, तो इसमें कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, ठीक है ना, बस एक ही स्टेप है ये हमारा लॉक को रिमूव करने वाला, ठीक है, और उसके लिए मैंने बताया दिया वो तीन ही स्टेप है, तीन भी नहीं दो बोलूंगा एक्चुअली, क्योंकि एक तो वो एक्सपोनेंशियल वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। और उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस होल इनइक्वालिटी। तो देखते हैं हम पहले इसके डोमेन की बात कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये तो पहले किया था ग्रेटर देन 0, इससे क्या आता हमारा, ये माइनस 1 है ये प्लस 1 है, तो इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, ये तो मेरा इसका डोमेन हो गया। अब मैं इसी के नीचे इसका डोमेन लिख लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों मैंने इंटरसेक्शन क्यों ले रहा हूँ दोनों के डोमेन के बीच में, क्योंकि डोमेन तो क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज डिफाइंड, इसका डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये डिफाइन हो, लेकिन मुझे तो वही एक्स चाहिए जिसमें दोनों डिफाइन हो, इसका मतलब वो एक्स लेने हैं जिन पे ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है, इसका मतलब कॉमन एक्स, इसका मतलब क्या इंटरसेक्शन। तो इसको देखा, इसके लिए क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, इससे मेरा कितना आया, रूट्स आएंगे 1 और 2, तो एक तो आया 1 और एक आया 2, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरा इसका डोमेन जो आया वो ये आया। मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, इंटरसेक्शन चलो लिख लो प्रॉपर, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू विल बी फाइनल डोमेन, विल बी फाइनल डोमेन। डोमेन अभी आंसर नहीं, अभी आंसर बाकी है, बहुत करना नहीं, अभी तो हम डोमेन पे ही अटके हुए हैं। तो इंटरसेक्शन देख रहे हो क्लियरली, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज माइनस 1, तो डोमेन हमारा आया माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन ए 2 से इंफिनिटी, देख लो एक बार, ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है। सो दिस इज डोमेन। अब आते हैं हम सॉल्व करना इनइक्वालिटी को, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या है, लॉग लॉग वाला पार्ट है, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें लॉग को रिमूव करने के लिए, रिमूव तो कर देते हैं डायरेक्टली, बट हम देखते हैं कि बेस जो है वो 1 से बड़ा है या नहीं है, अगर 1 से बड़ा होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर 1 से छोटा है तो चेंज करेंगे। नाउ यू कैन सी द बेस हियर इज हाफ, हेंस वी हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी का साइन। तो मतलब अगर ये लॉग का वैल्यू बड़ा है इसके लॉग से, तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट छोटा होगा, इनइक्वालिटी का साइन छोटा आएगा। देखना इधर स्टेप 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन, बिकॉज ये लेस देन था तो अब ग्रेटर देन हो गया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर हुआ बच्चों, कैसे किया मैंने, लॉग को रिमूव किया, while removing the log मैंने क्या देखा, base को देखा, base is less than 1, hence inequality का sign change हो गया, तो इधर से ये x square से x square cancel हो गया, 3x should be greater than 1 plus 2, 3, तो x is greater than 1,
अब x ग्रेटर देन 1 आया मेरा, तो क्या करते हैं हम, स्टेप 2 का जो आंसर आता है उसका क्या करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 1 के साथ मतलब डोमेन के साथ उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इधर मैं प्लॉट कर लेता हूँ, डोमेन तो मेरा हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, दिस इज माई डोमेन। एंड जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इज नाउ माई फाइनल आंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये मेरा क्या है ग्रेटर देन 1, सॉरी इधर नहीं आएगा ये, ये तो 2 गए तो इधर आएगा ये वाला पार्ट, दिस इज 1, x इज ग्रेटर देन 1। अब क्या करूंगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यू कैन सी दिस मच पार्ट, ये पार्ट है क्या हमारा 2 ओपन से इंफिनिटी, हेंस दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, अभी मैं कुछ बस होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोगों को, तो जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, और एक आध क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा वाला लेवल का भी दूंगा, ठीक है, देखते तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। चलो तो लेट्स मी गिव द होमवर्क, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। चलो तो दीज योर 5 years योर होमवर्क क्वेश्चन, थोड़ा टाइम देना, और जिसमें सबसे क्रिटिकल है वो है क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। मैं इसमें बिल्कुल हिंट नहीं दे रहा हूँ, एज ऑफ नाउ ट्राई ऑन योर ओन। इधर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बस कीपिंग इन माइंड कि इधर बेस इज वेरिएबल, इधर बेस x माइनस 1 है, इधर x प्लस 1 है। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन लिए, जो आज की क्लास में लिए, प्लस जो शुरू के 3 क्वेश्चन हैं, इनमें सब में क्या है, बेस हमारा कॉन्स्टेंट है, बट इन दीज 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ इधर, इन दीज 2 क्वेश्चन हमारा बेस इज वेरिएबल, base is variable, keeping that in mind solve this। तो ठीक है फिर बच्चों, I hope आज का lecture मजा आया होगा, so thank you so much for watching this।